हेलो दोस्तों, आज आपके साथ बुरानी बैंगन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ही मजे की बनती है, जिसके लिए मैंने टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्च और एक बैंगन लिया है। बुरानी बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले 3 मैंने बड़े साइज के टमाटर लेंगे, उनकी प्यूरी बना लेते हैं मिक्सी में। तो प्यूरी बन के तैयार हो गई है, इसको साइड पे रख लेते हैं। 2 आलूओं को अच्छी तरह से धोने के बाद और छीलने के बाद मैंने इसको राउंड शेप में काट लिया है और थोड़े मोटे ही पीस रखे हैं। इसी तरह से 2 बड़े साइज के टमाटरों को भी मैंने राउंड शेप में काट के रख लिया है। 2 मीडियम साइज प्याज के मैंने रिंग्स निकाल के रख लिए हैं। साथ में 2 से 3 कलियां लहसुन की ली हैं और हरी मिर्चें काट के रख ली हैं। पुरानी बैंगन में यूज होने वाले मसाले इस तरह से हैं, जैसे कि नमक हो गया, फ्रेश धनिया, सूखा धनिया का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और साथ में मिंट जो ड्राई पाउडर होता है वो इस रेसिपी में यूज होगा। तो अब हम बैंगन को काट लेते हैं। तो इसके भी हम रिंग्स काटेंगे, मगर थोड़े थोड़े मोटे पीस काटेंगे, बहुत बारीक नहीं काटेंगे। तो इनके पीसेस को काट लेते हैं। जैसे मैंने बैंगन काटने के लिए रखे थे, उसी टाइम मैंने गैस पे ऑयल भी चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि अगर हम बैंगन को काट के रखेंगे वो काले पड़ जाएंगे। तो सबसे एंड में जब आपका ऑयल गर्म हो जाए उसी टाइम आप अपने बैंगन काटें और साथ साथ में ही इनको फ्राई करते जाएं, वरना इनका रंग काला पड़ जाएगा। तो ये देखिए, इनको हल्का हल्का ही ब्राउन करना है और बाहर निकाल लेना है। और जो मैंने ऑयल यूज किया है वो सिंपल रिफाइंड ऑयल है। पुरानी बैंगन बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का यूज नहीं होता है। तो अब इसी तरह से आलू भी फ्राई कर लेते हैं। तो स्लो हीट में आलू क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। तब तक दही ले लेते हैं, 1/2 किलो दही है। इसको एक बाउल में निकालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने 1 लहसुन की कली ली है और उसको अच्छी तरह से घिस लेते हैं इस दही में। तो 1 लहसुन की कली बहुत है इस दही के लिए। दही में लहसुन डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, मिंट पाउडर और फ्रेश धनिया डाल लिया है और इसको मिक्स करके इसको फ्रिज में लगा देते हैं। दही का इस्तेमाल हम एंड में करेंगे, तो इसलिए इसको फ्रिज में ही लगा के रखे। सारे बैंगन और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैंने पैन में से सारा ऑयल बाहर निकाल लिया है। 1 छोटा चम्मच ऑयल का इसमें मैंने रहने दिया है। अब मैंने 4 लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से घिस लिया है और इसको हल्का सा भून लेंगे इस ऑयल में। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली। हल्दी डालने के बाद मैंने इसमें टमाटर जो हमने पहले से प्यूरी करके रखे हैं उनको डाल दिया है और इसको स्लो हीट में अब हम पकाएंगे। टमाटर की प्यूरी को पकाने के लिए हम बीच बीच में इसको कवर करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देखेंगे कि इसमें से थोड़ा थोड़ा ऑयल भी रिलीज होने लगा है। तो अब मैंने इसमें नमक, रेड चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया का पाउडर और काली मिर्च और लाल मिर्चों का पाउडर डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो काफी अच्छी तरह से प्यूरी हमारी पक चुकी है। गैस की आंच बिल्कुल स्लो रखी है। अब जो पके हुए बैंगन और आलू है वो लगा लेते हैं, इनकी लेयर्स लगा लेते हैं। थोड़े से कच्चे प्याज और कच्चे टमाटर भी लगा लेंगे और साथ में हरी मिर्चें जो हमने काटी हैं वो लगाएंगे। फिर से उसके ऊपर हम बैंगन की लेयर लगाएंगे, आलूओं की लेयर लगाएंगे। और थोड़े से कच्चे प्याज और गोल वाले जो टमाटर हैं कच्चे वाले वो रखेंगे और साथ में हम लगाएंगे 2-3 हरी मिर्चें। अगर आप मिर्चें नहीं खाते हैं तो आप ना डालें, मगर इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अब ऊपर से भी थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के इसको बिल्कुल स्लो हीट में कवर करके दम लगाने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। इसको हल्का सा हिलाएंगे, ज्यादा जोर से नहीं हिलाएंगे। और उसके बाद जैसे टॉस करते हैं ना, हिलाते हैं इसको, वैसे पैन को हिलाएंगे ताकि ये जो मसाले हैं ये आपस में इन्फ्यूज हो जाएं। बीच में मैंने एक बारी फिर से इसको कवर करके रख लिया था। बुरानी बैंगन तो बनके तैयार हो गए हैं। तो अब जो दही है वो मैंने फिर से बाहर निकाल लिया है। 2 से 3 चम्मच दही डालने के बाद इसको फिर से 5 मिनट के लिए दम लगाया है। तो देखिए दोस्तों, हमारी बुरानी बैंगन की जो रेसिपी है वो बनके तैयार हो गई है। बहुत ही मजेदार रेसिपी बनती है, आप जरूर से बना के देखें। आपने भरते वाला बैंगन खाया है, दूसरे बैंगन आलू की सब्जी खाई है, आप इस तरह से बुरानी बैंगन की रेसिपी जरूर से बना के देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसकी अब प्लेटिंग करते हैं। एक मैंने ओवल सी ट्रे ले ली है, इस पे जो हमने दही बना के रखा था उसकी लेयर लगाने के बाद सारे बुरानी बैंगन जो हमने बना के रखे हैं, बुरानी बैंगनों की लेयर लगाने के बाद अब मैंने इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी दही की लेयर लगाई है।
साथ में फ्रेश हरा धनिया लगाने के बाद थोड़ा सा मिंट पाउडर भी लगाया है। मिंट पाउडर मैं थोड़ा कम ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं अपना देसी जुगाड़ करती हूँ इस धनिया से, क्योंकि मिंट पाउडर डालने से कुछ ज्यादा ही मिंट हाईलाइट हो जाता है। वैसे तो ये जो रेसिपी है ये मिडिल ईस्ट कंट्री की रेसिपी है, और बुरानी का जो मतलब है वो है कि ये दही की बनी हुई कोई सब्जी, ये एज ए एपेटाइजर यूज होती है। इस बुरानी बैंगन का जो टेस्ट है वो चपाती और नॉन के साथ तो बहुत ही अच्छा आता है, तो जरूर से ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।